तो जैसा कि आपने प्रीव्यू पर देखा था कि हमने एक रील वीडियो चलाया था, और वो रील वीडियो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम की रील पर हो गया, या फिर यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो पर हो गया, या MX टकाटक पर हो गया, चाहे कोई भी जो एप्लीकेशन है जो कि शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करती हैं, तो उस पर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसको पोस्ट भी कर रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस तरह की वीडियो बना सकते हैं और काफ़ी अच्छी वीडियो बना सकते हैं और अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस तरह का वीडियो बना सकें। आगे बोलना नहीं पता। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। यहाँ पर जो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा जो कि हमने एक वीडियो का क्लिप दिया है, और सिंपली आपको उसको भी डाउनलोड कर लेना है, और एक ऑडियो क्लिप दिया होगा जो सॉन्ग है उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, तो हम अपने प्ले स्टोर पर चले जाते हैं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको लिखना है VN एडिटर ऐप। जैसे ही लिखेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने इसको अपने फ़ोन में पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, तो सिंपली हम इसको ओपन करते हैं। तो आपको इससे पहले आपको जो क्लिप है उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना है, आईडियो को भी डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको अपना एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो सिंपली हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका गैलरी खोलकर मिल जाएगा। तो जो भी वीडियो आपने वहाँ से डाउनलोड किया था सिंपली उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर इसको क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते कि हमारा जो वीडियो था वो डाउनलोड हो चुका है, मतलब यहाँ पर अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पर आपको इसको जो इसका साइज है यहाँ पर आपको यहाँ पर ओरिजिनल दिख रहा है, तो सिंपली आपको इसको जाकर यहाँ पर टिकटॉक वाले रेशियो पर क्लिक करना है। जो टिकटॉक का रेशियो है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर देखिए नीचे जो ऑप्शन मिलता है, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। इसमें से काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक वॉल्यूम का ऑप्शन मिल रहा है। तो सिंपली आपको इस वॉल्यूम को एकदम लो कर देना है, जीरो पर कर देना है, और आपको सिंपली इसको कर देना है, ओके कर देना है। तो जो इस वीडियो का जो ऑडियो होगा वो लो हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा इसमें से। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी तो आपको इस पर क्लिक करके इसको भी डिलीट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर डिलीट कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पर इसको प्लस वाले आइकन पर, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और जो भी आपने ऑडियो को डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर म्यूजिक वाले ऑप्शन में जाकर सेलेक्ट कर लेना है वहाँ पर। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ऑडियो है वो आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पर इस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको ले लेते हैं, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ऑडियो है वो भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू करके दिखा देते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फोटोज और वीडियोज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर वीडियोज के बगल में आपको फोटोज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उसको चूज कर लेना है। और आपको यहाँ पर फोटो को चूज कर लेना है, आप यहाँ से लगभग 10 से 12 फोटो चूज कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर चूज कर चुके हैं, ओके पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर पहले सबसे चले जाना है जहाँ से पहला आपका जो वीडियो है मतलब फोटो है वो शो कर रहा हो। तो यहाँ पर सिंपली आपको इसको जो इसका साइज है यहाँ पर आपको इसको कम कर देना है। तो इसका जो साइज है आपको यहाँ पर 0.7 करना है, मतलब 0.7
6-0 करना है, तो यहाँ पर हम इसको 6-0 कर लेते हैं। इसी तरह से आप सभी वीडियो का जो साइज है उसको 0.60 का लेना है आपको। तो हम जल्दी जल्दी हर वीडियो को मतलब हर फोटो को साइज दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने सभी वीडियो को जो साइज है वो 0.60 करके दे दिया है। और अब आपको इस यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना है और आपको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है एफएक्स का। तो सिंपली आपको एफएक्स वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको आप अपना दे सकते हैं। यहाँ पर सिंपली हर वीडियो को जो है अलग अलग आपको एफएक्स दे देना है। तो यहाँ पर हम जो हमारा हर वीडियो है उसको अलग अलग दे देते हैं हम, मतलब हर इमेज को। आपको एक एक करके सभी वीडियो को देना है। तो सिंपली हम जल्दी जल्दी अपने सभी वीडियो को दे देते हैं। सभी इमेज को यहाँ पर दे दिया है, एफएक्स दे दिया है। अब इसको हम सिंपली आपको प्ले करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑडियो भी चलाकर दिखा देते हैं आपको, और ज़्यादा चलाएंगे तो कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए कम नहीं चला रहे हैं, लेकिन आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको टाइटल मांगेगा, तो आप यहाँ पर अपना जो भी होगा उसको आपको टाइटल देना है। तो यहाँ पर हम बोल लिख देते हैं, फिर यहाँ पर सेव टू एल्बम पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो गैलरी में सेव हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ से अपने गैलरी में जाकर उसको आप रील में भी पोस्ट कर सकते हैं, अपना यूट्यूब पर भी पोस्ट करते हैं, आप जहाँ भी चाहें उसको प्रयोग कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस में भी लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आया। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।